So hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS final year student from Nalanda Medical College, Patna. सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि हम न्यू कमरे में हैं. मेरा पहला वीडियो शूट है एट माई न्यू रूम. सो बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारी खुशी. हम लोग यहाँ पे फाइनल ईयर में रूम मिलता है, हमेशा सिंगल रूम. उससे पहले डबल रूम मिलता है, उससे पहले डॉर्म. सो अब आज का टॉपिक क्या है. सो हम जो स्टूडेंट्स कॉलेज में आ गए हैं या फिर कॉलेज में जिनको कॉलेज मिल गया उनके लिए तो बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं. बट वो स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जो ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाले हैं अभी, जो ट्वेल्थ में या फिर जो ड्रॉपर हैं, उन लोग के लिए वीडियोस कम बनाते हैं क्योंकि बहुत से लोग वो वीडियो देखना नहीं चाहते हैं या फिर उतना व्यूज़ नहीं आता है. लेकिन आज हम सोचे कि नहीं, आज एक वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके पास बस 4 महीने बचे हैं गिनकर 2023 में. तो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि 4 महीने में हम लोग ऐसे कैसे प्रिपेयर कर लें कि नीट निकल जाए. तो बेसिकली ये उसी पर है. जो लोग भी इस बार नीट देने वाले हैं, चाहे वो ड्रॉपर हो चाहे वो अभी ट्वेल्थ में अपियरिंग देने वाले हैं, उन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वीडियो एंड तक देखिएगा एंड इसी टाइप के वीडियोज और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा. सो सबसे पहला बात जो स्टूडेंट्स अभी हमसे पूछ रहे हैं, मैम क्या 4 से 5 महीने में हमारा नीट क्रैक हो सकता है अगर हम स्क्रैच से स्टार्ट करें, अगर हम अभी से पढ़ना स्टार्ट करें तो. सो अब हम आपको टोटल 5 पॉइंट्स बताने वाले हैं जो आपको यूज करना है टू क्रैक नीट इन 4 मंथ्स. एंड ये 5 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अपने दिमाग में भर लीजिएगा. एंड बिल्कुल भी इसके अलावा और कुछ नहीं करना है एंड बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है. सो लेट्स डू इट. सबसे पहला पॉइंट है सेलेक्टिव स्टडी. सो हम ये पहले भी बोले थे एंड अभी भी बोल रहे हैं कि सेलेक्टिव स्टडी इस टाइम पर आकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ सकें. तो अब आपको वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चंस बनाने हैं जो आते हैं, ज़्यादा रिपीटेड हैं. तो इसके लिए आपको 2 चीज़ करना होगा. एक तो ये करना होगा कि आपको वेटेज देखना होगा लास्ट के, आई गेस 5 से 6 साल के जितने पेपर्स हुए हैं, कि कौन से चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उन्हीं को देकर पढ़ना होगा. कोई भी टॉपिक, सारा टॉपिक्स कवर नहीं करना है, जो जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए उनको कवर करना है वेटेज के हिसाब से. एंड दूसरी बात कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करिएगा, लास्ट के 2-3 साल में तो चेंज भी हुआ पैटर्न, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कहाँ ज़्यादा फोकस करना है. सो सेलेक्टिव स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट के कुछ 3-4 महीने में हम भी इसी टाइप से पढ़ने लगे थे, जो जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस पर ज़्यादा फोकस किए थे. हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स ये बोलेंगे हर साल चेंज हो जाता है, चेंज रहता है, तो अब टाइम कम है, तो अब आपको उतना वाइड सोचिएगा कि सब पढ़ लेंगे तो उतना तो नहीं हो सकता है, तो आपको सेलेक्टिव पढ़ना होगा. तो वीडियो के बीच में ही पढ़ाई से रिलेटेड आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है महासंग्राम बैच, जो कि स्पेशली होगा नीट यूजी 2023 स्टूडेंट्स के लिए. ये बैच जो है वो स्पेशली टारगेट करेगा उन स्टूडेंट्स को जो अभी क्लास 12th में है एंड उसके अलावा जो ड्रॉपर्स हैं. तो ये दोनों फील्ड के स्टूडेंट्स को मेनली वो टारगेट करेगा. तो ये जो बैच है महासंग्राम बैच, वो 22 दिसंबर यानी कि कल से शुरू होने वाला है एंड इसका स्टार्टिंग प्राइस है ओनली 16,649 रुपीज़. तो आप लोग अगर ये बैच ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको ये भी लगता होगा कि इस बैच का फ़ायदा क्या होगा. तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अब कम टाइम बचा है नीट 2023 के लिए, तो ये बैच क्या करेगा, आपको फुल सिलेबस का कवरेज देगा, फुल सिलेबस का कवरेज देगा एंड उसके साथ ही साथ आपको पूरा क्लास 12th का भी प्रिपरेशन करवाएगा एंड नीट यूजी का भी प्रिपरेशन करवाएगा. 300+ आवर्स का आपका लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होगा एंड उसके साथ ही 35,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक्स होंगे. उसके अलावा आपको फ्री एक्सेस मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस का, 10 माइनर टेस्ट देने मिलेंगे एंड 5 मेजर टेस्ट. सो आप ये सब्सक्रिप्शन अभी के अभी ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड SOBIA10. सो जैसा कि हम जानते हैं कि नीट 2023 का डेट्स अनाउंस हो गया है, सो अगर आप अभी अनअकैडमी का 4 मंथ सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको साथ में 1 मंथ एक्सटेंशन फ्री मिलेगा एंड ये ऑफर वैलिड है बस कल तक 22 दिसंबर तक. आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में 25% ऑफ मिल रहा है एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 30% ऑफ मिल रहा है. सो आप मेरा कोड SOBIA10 यूज करके ये ऑफर्स अवेल कर सकते हैं. सो अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास सही बुक हो और आपके पास सही गाइडेंस हो. तो आपको ढेर सारी बुक्स नहीं बनाने हैं, 1 से 2 बुक्स मैक्स एक सब्जेक्ट का बनाना है, उसी को रिपीट करना है एंड आपके पास गाइडेंस भी एकदम प्रॉपर होना चाहिए. अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ही कर रहे हैं या ऑफलाइन ही कोचिंग कर रहे हैं, आपके पास गाइडेंस सही होना चाहिए एंड अगर आपके पास टीचर्स हैं वो आपको कुछ कह रहे हैं तो आप उनको सुनिए और अप्लाई करिए. ये नहीं कि सुन के भूल गए, एक कान से सुने दूसरे कान से भूल गए, नहीं. वो लोग जो भी कहते हैं या हम जो भी कह रहे हैं आपके भलाई के लिए कह रहे हैं. आप नीट निकालेंगे, कॉलेज जाएंगे तो हमारा उतना भला नहीं होगा लेकिन आपका बहुत भला हो जाएगा. तो दैट्स द थिंग.
इसलिए आपको क्या करना है, इस टाइम पर आपको एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। इस टाइम आपको ये नहीं कि अच्छा ये भी बुक खरीद लेते हैं, इसे भी पढ़ लेते हैं, नहीं। इस टाइम आपको जो आपके पास बुक है, अगर आपको कोचिंग में आपके पास मॉड्यूल है, वही बनाइए। एक बार बनाने के बाद वही दोबारा बनाइए। अगर आप सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट करके सॉल्व करेंगे, तो रिपीट करके उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो आपको आपके दिमाग में जाएगा वो कॉन्सेप्ट, जाएगा किस तरह से क्वेश्चन बनता है वो भी जाएगा, एंड जब एग्जाम में आएगा वही सेम क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अप्लाई करने में। इसलिए अभी इस टाइम पर सेल्फ सेंटर्ड रहिए एंड ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करिए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिस्ट्रैक्शन। प्लीज डिस्ट्रैक्शन से बचिए। हर तरह के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं इस टाइम आपको। आपको ये भी लग सकता है कि अच्छा चलो टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो नहीं निकलेगा, नहीं तो छोड़ ही देते तैयारी करना, बस ऐसे नाम के लिए दे देंगे, ये भी आप सोच सकते हैं। या फिर आपको अगर किसी लड़का लड़की को पसंद करने लगे, या अगर आप कमिटेड है तो उधर तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप तो समझ लीजिए कि एकदम बहुत मुश्किल है तब आपके लिए निकालना नीट। तीसरा, अगर आप कोई वेब सीरीज़ या मूवी देखने के एडिक्टेड हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन में मतलब सीरीज़ मूवीज़ देखते हैं, तो बहुत टाइम खाता है ये चीज़ भी। आप थोड़े टाइम के लिए रिफ्रेश होने के लिए पढ़ाई के बीच में फ़ोन यूज़ कर भी सकते हैं, बट एकदम से एकदम बड़ा सा सीरीज़ या लंबी मूवीज़ ये सब देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा आजकल टाइम वेस्ट करती है, वो है इंस्टा रील्स। तो आई नो कि बहुत से लोग बस इंस्टा खोल के ऐसे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, चलो देखते हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हाँ ठीक है मज़ा आ रहा है आपको, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप मोटिवेशन के लिए यूट्यूब देख लिए, इंस्टा देख लिए, बट उसको दिनों रात नहीं देखना है, थोड़े समय के लिए। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। फ़ोन अगर आपके पास है एंड अगर आपके पास सोशल मीडिया है, तो आप समझ जाइए कि आपका आधा दिन तो वैसे ही बीत गया, आपका नीट की तैयारी फिर कुछ नहीं हो पाएगी। सो अभी आपका प्राइम फोकस होना चाहिए टू क्रैक नीट, कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये प्राइम फोकस होना चाहिए। सो नो डिस्ट्रैक्शंस, ओनली स्टडी। फोर्थ चीज़ इज सेल्फ मोटिवेशन। मतलब आपको एकदम से डीमोटिवेटेड नहीं होना है, एकदम भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। टेस्ट आ रहा है खराब जा रहा है तो उदास हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। टेस्ट सारा देते जाना है, टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज देते जाना है, सारे टेस्ट देते जाना है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है वो पता चलता है, बाद में आके आप रूम में भी आके वो क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर पता कर सकते हैं। लेकिन उससे डीमोटिवेटेड नहीं होना है कि अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा टेस्ट से तो मतलब मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। स्पेशली ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स जो अभी ट्वेल्थ में हो, तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मतलब क्या करें हम, अभी तुमको बोर्ड्स भी देना है एंड अभी तुमको एग्जाम भी देना है नीट का। तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बोर्ड्स का आप लास्ट के दो महीने में भी तैयारी कर सकते हैं। इस टाइम आपको सिर्फ नीट पे फोकस करना है, एंड ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि दोनों कैसे हैंडल करें। जितना नेगेटिव सोचिएगा उतना ज़्यादा आपसे नहीं होगा। सो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा ये सोचिए कि नहीं हो जाएगा, करेंगे हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो कैसे नहीं होगा। सेल्फ मोटिवेशन, हमको यही लगता था तो हम मोटिवेशन वाला गाना सुनते थे, लिरिक्स गाना का अपने वॉल पे चिपकाए हुए थे, उसके अलावा मेडिटेशन करते थे, उसके अलावा हम हमेशा खुश रहने का ट्राई करते थे। कुछ भी हो तो हमेशा अंदर से ये सोचना है कि अगले बार हम अच्छा करेंगे। कैसे नहीं होगा हमसे, सबसे होता है तो हमसे भी होगा, हम भी इंसान हैं, हम भी वो वाइट एप्रन पहन सकते हैं, हम भी स्टेथोस्कोप लगा सकते हैं। सो सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट एंड द फिफ्थ वन इज़ मेक टाइम टेबल। ये तो हम हर पढ़ाई वाली वीडियो में बोलते हैं कि टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि मेरा नीट निकलने का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था वो था टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल बिना बनाए आई डोंट थिंक किसी से भी मैनेज हो सकता है इतनी सारी पढ़ाई, इतना सारा चैप्टर फिजिक्स में, इतना सारा चैप्टर केमिस्ट्री में, इतना सारा चैप्टर बायो में। तो आपको तो टाइम टेबल नहीं पड़ेगा, सुबह से लेकर रात का, हर दिन का, फिर हर वीक का, आपको इस वीक में इतना चीज कंप्लीट कर ही लेना है। टेस्ट होते रहेगा, सब कुछ होते रहेगा, पढ़ाई होते रहेगा, अपना जो टाइम टेबल है कि अच्छा इस वीक में इतना कंप्लीट कर लेना है, चार महीने हैं तो कैसे कैसे दो महीने में कंप्लीट कर लेना है, दो महीने रिविजन करना है, सब कुछ आपको एक अपने दिमाग में टाइम टेबल कहीं पर लिख के सब कुछ टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपका नीट निकलेगा। टाइम टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा जो भी बात हम बोले हैं, कि कितना सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं। आपको लास्ट ईयर से देखना होगा कि आपको किस टाइप के, आपको लास्ट ईयर से मिलाना होगा कि कैसा क्वेश्चन आया था। लास्ट ईयर बायो थोड़ा टफ आ गया था और केमिस्ट्री भी थोड़ा उल्टा पुल्टा आ गया था, मतलब थोड़ा अजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आया था बायो समय, फिजिक्स कंपेरेटिवली ठीक था। तो आपको ये सब भी देखना होगा कि आप तीनों में से कोई सब्जेक्ट से भी टफ क्वेश्चन आ सकता है, आपको किसी को भी हल्के में नहीं लेना, बायो को भी नहीं, ना केमिस्ट्री को ना फिजिक्स को। सो ध्यान सारे सब्जेक्ट का देना है, टाइम टेबल बनाना है, नो डिस्ट्रैक्शन, जितना भी बात हम बोले अपने दिमाग में रखिएगा। प्लीज़ 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 मेरी बात सुनिएगा, आपका नीट निकलेगा, आपका फ़ायदा होगा, आप फेमस होंगे मेरे तरह। सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।